दोस्तों ये जो घंघरी देख रहे हो सेम इसी प्रकार से सीना हम बताएंगे, पॉकेट वाला घंघरी है, सेम बराबर चून देना बताएंगे। जैसे कि देख सकते हो कि इतना एक्यूरेट बिल्कुल चून पड़ा हुआ है। तो ये रहा मेरा फैब्रिक, ये जो कपड़ा था टोटल 160 था। इसका कटिंग के वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाके देख सकते हो। ये पॉकेट के साइड बनेगा। तो पॉकेट कैसे बनाना है ये देख लीजिए। पॉकेट जो हमने कटिंग किया है तो ये 6 ये 7 इंच ऊपर से आधा इंच का अंतर है, और ये इसका लेंथ जो है 13.5 परफेक्ट। और ये देखिए यहाँ से इसको इस तरीके से रखना है सीधा में, और इसको मेजरमेंट करके ये मरका लगा लेना है, ये देखिए ठीक है। और ये पॉकेट आप 6 इंच का 5.5 इंच का रख सकते हो, ठीक है। तो 6 इंच का हेवी हो गया, पतली लड़की है तो चलेगा 5.5 परफेक्ट। और जितना चौला आपका पारा है उतना ही चौला इस तरीके से मरका लगा के इसको सिलाई चलाना है, और इसी प्रकार से सिलाई चला लेना है। तो देखिए किस तरीके से हम सिलाई चला रहे हैं और किस तरीके से स्टिच होगा। अब इसको इधर से उतार लेना है। ये सिलाई हो गया पॉकेट का कंप्लीट। अब इसको कट लगाना है इस तरीके से तिरछा। तो इसमें कट लगाते से मिलना ध्यान में रखें कि इसमें का जो सिलाई वाला है ना पार्ट वो ना कट हो, सिलाई कटिंग ना हो। और इसमें ये इतना ज़्यादा चौला कपड़ा नहीं रखेंगे, काट कर इसको निकाल लेना है। एक पैर का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे और काट कर निकाल लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो काट के हमने निकाल लिया। अब इसको इस तरीके से पलटेंगे और इसके ऊपर एक लपका सिलाई चलता है, तो ये जो सिलाई चला है उसे एक सूत ऊपर एक मरका लगाएंगे, ठीक है। और इधर से भी एक सूत हल्का नीचे सिलाई लगाएंगे, और ये लपका सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पे। क्यों लगाते हैं आप सभी को आगे देखने को मिलेगा। और ये देखिए लपका सिलाई कंप्लीट लग चुका है। अब जो इधर से लपका सिलाई स्टार्ट करेंगे, इधर से एक चाप का सिलाई रहेगा। और दोस्तों ये जो आवाज़ सुन रहे हो मेरे साथ, ये मेरी बेबी का है, मेरे लड़की का आवाज़ है जो खेल रही है हमसे। और ये देखिए पॉकेट को इस तरीके से हमने तैयार कर लिया, ठीक है। और इसके बाद जो है इसको अलग से दूसरा पार्ट है उसको जोड़ना है। तो इसको इस तरीके से रखेंगे और दूसरा पार्ट को रखेंगे और स्टिच कर देंगे, ठीक है। फिर जो है चून देने का जो फॉर्मूला है वो बताएंगे कि चून जो है बेहतर तरीके से आप कैसे दे सकते हो चून। तो अच्छे तरीके से आप देखने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी जाके आप एक अच्छे तरीके से स्कूल का घंघरी तैयार कर सकते हो। और ये देखिए इसको हम ज्वाइंट कर देंगे दोनों पल्लों को। और ज्वाइन करते समय जहाँ से पॉकेट है ना वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से स्टिच करना पड़ता है, तो उसका भी फार्मूला बताए हुए हैं, आप वीडियो को देखिए। अभी देखिए पॉकेट के पास आ चुके हैं, पॉकेट को सरिया लेना अच्छे तरीके से। और जहाँ से पॉकेट है वहाँ पे जैसे इसको इस तरीके से रखोगे ना, ये देखिए ठीक है। तो यहाँ पर हाथ रखते हैं मालूम चल जाता है, महसूस हो जाता है कि मेरे यहाँ से पॉकेट है। और इस तरीके से महसूस करके आप नए आदमी हो तो यहाँ से, अगर आप नए हो तो यहाँ से इस तरीके से मार्क लगा लेना है जैसे कि हमने लगाया, ये देखिए ठीक है। और महसूस करके ये सिलाई चला लेते हैं। वहाँ बहान दिए इसलिए कि वहाँ पे पॉकेट में हाथ बार बार लगाने निकालने से वहाँ से फटेगा नहीं, मजबूती रहेगा, कभी नहीं फटेगा, फिक्स हो जाएगा। और ये हो गया मेरा सिलाई कम्प्लीट साइड का। अब इसके ऊपर से एक लपका सिलाई लगा लेते हैं, तो उसको सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, इसको ओपन करके फिर लपका सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये लपका सिलाई बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसको बेल्ट लेंगे और बेल्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे कि बेल्ट कितना है, तो किस तरीके से लेना था। इसका बेल्ट जो है 28.5 है फिक्स, इसका कमर 28.5, चौलाई जो हम कटिंग किए हुए हैं 5 इंच चौलाई कटिंग किए हुए हैं परफेक्ट।
और इसका कटिंग का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देखोगे तो समझ में पूरा अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और 28.5 है, तो ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, 30 कमर बनाकर कटिंग करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा रहना चाहिए उसका कमर। अगर बढ़ेगा तो कैसे बढ़ाने का फॉर्मूला आएगा, तो इसी में एक्स्ट्रा रखते हैं, घटाने बढ़ाने का जो हम उसमें हुक लगा देते हैं। और ये कैसे हुक लगता है पूरा वीडियो देखोगे तो अच्छे तरीके से समझ आओगे। और ये 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया, यानी कि 1.5 इंच, ठीक है। 28.5 है तो 30 इंच तक आई, 3.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से मार्का लगा के कटिंग कर लेना। वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाने के बाद ये 3.5 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं, और ये हमने कुटका लगा दिया, और एक 20 सेंटर का कुटका लगा दिया। ये देखिए अब इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और इसका मेन पार्ट लेंगे, और ये देखिए बेल्ट को हमने नीचे रख दिया और इसको सीधा रखना है। और ये देखिए यहाँ से जो किनारी पीस है ना, वहाँ से 1 इंच नापेंगे। ये फॉर्मूला जिस तरीके से हम कटिंग किए हुए हैं उस तरीके से कटिंग करोगे तब जाके इस तरीके से सी पाओगे, और नहीं तो अगर कोर नहीं रहेगा दोनों साइड तो उसका फॉर्मूला अलग है, वो पहले दोनों साइड से मोड़ाता है उसके बाद ये सिलाता है। अब देखिए कुटका में कुटका मिला के, और ये कुटका से कुटका मिलाओगे तो जो पारा है ना, जो किनारी पीसी, वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद 1 इंची से आगे, 1 इंची बाद से हम टेकिंग देना शुरू करते हैं, यानी कि ये देखिए प्लेट डालना शुरू करते हैं। ये जो मेरा प्लेट टोटल डलेगा 1.25 इंच चौड़ा दिखेगा, हो सकता है कि मैं इसके अंदर दूसरा, इसके अंदर ज़्यादा कपड़ा डालूँ, लेकिन जो दिखने वाला सिलसिला है मेरा 1.25 इंच का, 1.25 इंच ही रहेगा। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट चून। सेकेंड चून भी देख लीजिए, ये देखिए ये जो हम चून डाल रहे हैं ना, भले ही चाहे जितना अंदर कपड़ा चला जाए ज़्यादा रहने पे, लेकिन जो दिखाना है ना वो 1.25 इंच ही दिखाना है, 1 इंची 2 सूत। तो आपको अगर 1 इंच दिखाना है तो 1 इंच दिखा सकते हो, 1.5 इंच दिखाना है तो 1.5 इंच दिखा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। और ये जो पॉकेट देख रहे हो ना, बीच सेंटर का जो हमने कुटका लगाया है सेम वहीं पर आना चाहिए, और ये पॉकेट के 0.5 इंच आगे में है ये मार्का, ये हम प्लेट डालेंगे, क्योंकि पॉकेट दिखना नहीं चाहिए ओपनली, ठीक है। ओपनली पॉकेट दिखना नहीं चाहिए, जब पॉकेट में हाथ लगाए तो वो डाले, वो ऐसे दिखने लगेगा पॉकेट तो साफ बेकार लगेगा, भद्दा लगेगा, इसलिए 0.75 इंच ये पॉकेट ढक जाना चाहिए। अब ये नहीं कि चौला चुन का देंगे, जितना है उतना ही, इसको अच्छे तरीके से सिलते सिलते एक्सपीरियंस हो जाता है। और ये देखिए आप लोग ने कॉमेंट किया था कटिंग वाले में कि सर इसका चुन देने का फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से बताना, तो इसलिए हम बता रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, ये जो पॉकेट है ना, पॉकेट भी इस तरीके से टाइट रहेगा, पॉकेट चुन के साथ, ये नहीं कि पॉकेट को भी चुन दे देना है, नहीं, जिस तरीके से बेल्ट को स्ट्रेट रखे हैं उसी तरीके से इसको भी स्ट्रेट रखेंगे और फिर जाके चुन देंगे। लास्ट में करना क्या है कि जिस तरीके से 1 इंच का मार्का लगा के कुटका से अलग रखे थे उतना ही रखना है, और ये 1 से 2 चून इस तरीके से, ये देखिए चून कम पड़ रहा है तो दूसरा चून खोल देंगे तो दोनों साइड बराबर बराबर चून हो जाएगा, यानी कि देखने में बेहतरीन लगे। इतना चुन बेहतरीन लगे तो 1 चुन खराब क्यों, तो इसीलिए खोल के इस तरीके से हमने दोनों चुन को बेहतरीन कर लिया। और ये जो आप मार्क लगा देख रहे हो वो एक्स्ट्रा इधर को है, कोर जो है इधर को है, ठीक है। अब ये फाइनल हो गया आपका ये टेकिन। अब इसको बनाना कैसे है बेल्ट, इसको इस तरीके से हम प्लेट को इस तरीके से सीधा करेंगे और ऊपर से एक पैर का कपड़ा पकड़ के सिल देते हैं स्ट्रेट, एक पैर का कपड़ा फोल्ड करेंगे इस तरीके से, इसके ऊपर सिलाई चला देंगे एक पैर का, तो अच्छा लगता है बेल्ट पे, परफेक्ट। तो ये एक पैर का सिलाई मेरा चल गया। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको इस तरीके से मोड़ना है, हल्का सा नीचे में है झुकाते हुए, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करना, तो हल्का नीचे में है ज़्यादा रखना है, और इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे स्ट्रेट, और ये सिलाई कम्प्लीट लगा लेंगे। एक साइड का ये सिलाई कंप्लीट हो गया, दूसरे साइड भी सेम इसी प्रकार से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों साइड सिलाई कंप्लीट हो गया। अब इसको एक पैर का कपड़ा रख के, 1/2 इंच कपड़ा रख के कट कर देंगे। अब इसको सीधा करेंगे, ये देखिए सीधा करने के बाद इसको इस प्रकार से लपका सिलाई लगाना है बैठाकर। अगर इसमें अच्छे तरीके से नहीं बैठाओगे तो बेल्ट में ऐठन आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई पेस्टिंग वगैरह नहीं है, और जिस तरीके से हम लगा रहे हैं सिलाई उस तरीके से लगाओगे
तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट लपका सिलाई बैठाते हुए लग चुका है। ये देखिए अच्छे तरीके से बैठा कर ये एक पैर का सिलाई ऊपर से भी लगा लेंगे, क्योंकि जो लपका सिलाई लगेगा जब लूप लगाएंगे ना उस समय, और ऊपर का दो सिलाई नीचे के दो सिलाई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ा देती है बेल्ट का। और इस बेल्ट का खासियत यह है कि अच्छे तरीके से बैठाना पड़ता है, नहीं तो ऐठन ऐठन टाइप का हो जाता है। और अच्छे से बैठाते हुए हमने हर चीज़ सिखाया है। अब इसमें लगेगा बेल्ट, बेल्ट में लूपी। ये देखिए हमने लूपी पहले से बना रखा है, जैसे पैंट में लूपी लगता है ना सेम उसी प्रकार से, तो आप इस तरीके से बना ले लूपी को। और इसमें चार भाग करके चार लूपी लगाएंगे, और किस तरीके से भाग लगाएंगे, किस तरीके से लूपी सेट करेंगे, हर चीज़ दिखाने वाले हैं, क्योंकि हर साइज़ का थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है लूपी सेट करना। तो देखिए किस तरीके से लूपी सेट कर रहे हैं, उस तरीके से आप भी सेट करके इस लूपी को सेट कर लें। अब इस लूपी को कैसे सेट करना है, कितना नीचा सिलाई लगाना है, तो देखिए ये जो मार्का है, मार्का पे इस तरीके से रखें एक पैर नीचा, ठीक है, एक पैर से नीचा सिलाई लगाना है, एक पैर नीचा यहाँ भी, बस ये देखिए इसी तरीके से चारों लूपी को स्टिच कर लेंगे। चारों लूपी स्टिच हो चुकी है, और इस तरीके से फोल्ड करना है और ये सिलाई लगा देना है, ठीक है। तो शुरू से हम लपका सिलाई लगाते हुए आएंगे, और जहाँ भी लूपी है वहाँ पर अच्छे तरीके से सिलाई चलाएंगे ना, उसको बांध देंगे ताकि टूटे ना, क्योंकि अधिकतर आप लोग देखते हो कि जब भी पैंट या घंघरी नीचे की तरफ घस सकता है तो लूपी पकड़ के ही लोग ऊपर में चढ़ाता है। तो लूपी का सिलाई थोड़ा सा मजबूती चाहिए, क्योंकि अधिकतर दर्जी को देखते हैं या टेलरिंग को कि वो लूपी के एक ही सिलाई चलाते हैं और वो टूट जाता है, कितना बेकार लगता है, नहीं फिर आपका नाम ख़राब होता है। तो थोड़ा सा मजबूती पर ध्यान दें, और इस तरीके से इसको सिलाई चला लेना है। अब जो है इसको इस तरीके से फोल्ड करके 2 इंच नीचे बेल्ट के नीचे 2 इंच नापना है, और इस तरीके से इसको सिलाई साइड सिलाई लॉक कर देना है, यानी कि सिलाई चला देना है। ये सिलाई लगने के बाद इसको सीधा करते हैं, और ये देखिए घंघरी जो है बिल्कुल अभी तैयार हो चुका है। तो इसमें फोल्ड करने का नीचे का तकनीक, और एक बार में ही कैसे प्रेस लगा दें टेकी नीचे बैठा कर, तो वो भी आप मात्र 4-5 मिनट समय दे दोगे तो वो भी सीख जाओगे। तो ये देखिए ये हम ठोक दे रहे हैं, एक सिर्फ हुक ही लगता है, दूसरा साइड आई हुक नहीं ठोकते हैं, कपड़े का ही हुक बना देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि 2 से 3 इंची कम बेसी कर सकते हो आप, ठीक है, जो हमने पहले ही बढ़ा के सिखाया है कि कैसे कमर बढ़ाना है, कैसे मेंटेनेंस करना है इस हिसाब से। और ये फ्लाई के जैसे हमने सिलाई लगा दिया, और इसका कमाल की बात यह है कि ये देखिए कि इस तरीके से चढ़ाव उतराव हो जाता है, नीचे वाला जीव ही काम करता है। अभी इस तरीके से इसके सामने से जो है आप हुक ठोक सकते हो 2-3, या हुक नहीं ठोकना है तो आप जैसे बनाओगे उस तरीके से बना के लगा सकते हो। तो इसका कमर मेजरमेंट करते हैं कितना आ रहा है, तो देखिए 31 तक परफेक्ट आएगा, 31.5 ऐसे फोल्स आएगा, 31.5 का है, 31.5 कमर नहीं आएगा उसका, 31 ही आएगा, और इसका 28.5 कमर है, तो 28 तक हम बनाएंगे, ठीक है, यानी कि इसमें 28 तक हम लूप बनाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने इस तरीके से ले रखा है, और इसको ज़्यादा चौला है तो इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है जिस तरीके से कर रहे हैं। जितना चौला हुक लगाना है उससे हल्का सा इसको चाकर रखना है, बाकी उतना फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके बीच में एक सिलाई चला देंगे इस तरीके से। ये सिलाई कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से रखना है, देखिए किस तरीके से रखें, किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ इस तरीके से इसको सिलाई एक लगा लेनी है, ये सिलाई आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको इस तरीके से जैसे प्लेट दिए हैं, जैसे चून बैठाए हैं, उसी प्रकार से चून बैठाकर सिलाई करना है, और जहाँ भी चून बैठाना है वहाँ पे बांध देना है। क्यों बांधना है भाई, क्योंकि वहाँ से लोड पड़ने पे, जोर पड़ने पे फटे ना, ठीक है। और इस तरीके से
चार पांच खेप इसको फोल्ड कर देंगे तो ये आसानी से जितना चाहे उतना पे अपना लगा सकते हैं, हमको बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। तो आप भी घंघरी सीते हो तो इस तरीके से ही हुक लगाना सीखे और इसी तरीके से लगाएं, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और काफ़ी ज़्यादा आरामदेह होता है। ठीक है, ये देखिए दूसरे साइड के भी सिलाई चला लेते हैं और जहाँ जहाँ लूट पड़ने वाला है वहाँ वहाँ बांध देते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया, ये देखिए। ठीक है, क्या आप लोग इस तरीके से बनाते हो तो कमेंट करके बताना। और नीचे से फोल्ड करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सही समझा के आप फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड किए और इतना चौड़ा नहीं चाहिए था, नीचे से हल्का और ज़्यादा फोल्ड कर लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई चला लेंगे। नीचे के फोल्ड करते समय आप जितना चौड़ा फोल्ड कर रहे हो उतना ही चौड़ा फोल्ड करना है चारों तरफ, और जितना अंदर कपड़ा दे रहे हो उतना ही अंदर कपड़ा देना है, नहीं तो ये नीचे का जो दावन है ना बिल्कुल ऐठन सा हो जाएगा, ऊंच खाल हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर जितना मेहनत किए हो घंघरी में वो सब बेकार हो जाएगा, यानी कि देखने में फिनिशिंग नहीं लगेगा। तो करना क्या है कि इस तरीके से बैठा कर बिल्कुल सीधा नीचे से हल्का टाइट रखना है, ऊपर से हल्का लूज देना है। और ये इसी तरीके से हमने सिलाई लगा कर ये कम्प्लीट कर लिया, देख सकते हो कितना फिनिशिंग हमने फोल्ड किया। अब इसमें क्या करना है, जितना चौला चौला ऊपर चुन दिए हैं उतना ही चौला चौला नीचा भी चुन दे देकर इस तरीके से बैठा लेना है। ये देखिए ये टांकी बढ़ाकर, टांकी छोटा नहीं रखना है, मशीन का जितना बड़ा टांकी है सब बढ़ा लेना है और इसी प्रकार से पूरा चुन दे देना है घुमा घुमा कर। ये नहीं कि ऊपर जितना चुन है उससे ज़्यादा नीचा दे दे, नहीं। और ये देखिए इस तरीके से हमने चुन दे दिए, कितना बेहतरीन लग रहा है। और अब इसी को क्या करना है कि अच्छे तरीके से प्रेस करके बैठा देंगे और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तरीका कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जो बताएं। इसका सिलाई का वीडियो देखो, इसका कटिंग का वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर